हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शहनाज हुसैन की गोल्ड फेशियल किट की रिव्यू। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करके इसे परचेज़ किया है। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस में 1010 रुपीज़ का आता है, लेकिन मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो मुझे गोल्ड और डायमंड दोनों की फेशियल किट जो है वो 399 में अवेलेबल हो गया, तो ये मुझे 85% डिस्काउंट पे मिल गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी डायमंड फेशियल किट की रिव्यू नहीं देखी है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में डायमंड फेशियल किट की पूरी रिव्यू और डेमो शेयर किया था, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसकी रिव्यू शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उसकी कुछ नॉइज़ हो सकती है, आवाज़ आ सकती है इस वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये गोल्ड और डायमंड दोनों की पैकेजिंग एक ही तरह की होती है, तो ये जो है वो गोल्ड की पैकेजिंग है और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसे निकालने और लगाने में बहुत आसानी होती है। इसमें चार तरह के प्रोडक्ट होते हैं और जो भी प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल करता है उसके पीछे में लिखा होता है कि किस तरह की इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारी बताई गई है। तो इसमें चार तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रब है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये जेल है और ये मास्क है। तो ये जो है ये कुछ इस तरह के डब्बे में आता है। इसे 5 to 6 यूज़ आप आसानी से कर सकते हो। और ये जो है गोल्ड ब्लीच गोल्ड फेशियल किट है, तो इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं वो हल्के गोल्डन कलर के हैं। तो ये जो है ये स्क्रब है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये भी हल्के ऑरेंज कलर की आती है। ये जेल है जो थोड़ा वाइट कलर में आता है, जेल जो है वाइट कलर में आता है। और ये मास्क है, ये भी ऑरेंज कलर में आते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है तो ये मैं वीडियो अपनी मॉम के फेस पे ट्राई करूँगी और देखूँगी कि शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट जो हैं वो हर एक स्किन टाइप के लिए कैसा सूटेबल होता है। तो मैंने डायमंड की फेशियल किट की रिव्यू अपने पे शेयर की थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये मैं गोल्ड की फेशियल किट अपने मॉम के फेस करके देखूँगी कि उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब शहनाज हुसैन के सारे प्रोडक्ट हैं जो हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। तो हर स्किन टाइप और हर एज वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इसे आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पुराना वाला वीडियो तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। 1010 रुपीज़ की ये प्रोडक्ट आती है और इसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो 10 ग्राम के हैं और इसमें चार तरह के प्रोडक्ट हैं। और इसे कैसे यूज़ करना है, इसे बैक कवर पे लिखा हुआ है कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं ऐसे यूज़ करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। और ये जो है उस पर लिखा हुआ है ये 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी देता है। तो चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो कोई फेशियल करने से पहले सबसे पहले आप ब्लीच कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लीच करते हो तो फेशियल बहुत अच्छे से उभर के आपके फेस पे दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ब्लीच ट्राई कर रही हूँ और ब्लीच के बाद बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने इस ब्लीच की रिव्यू भी शेयर की है, नेचर्स का ब्लीच है। तो आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैंने अपने चैनल पे इसकी लिंक भी दी है। तो चलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ब्लीच करने के बाद मेरे फेस पे एक अलग तरह की शाइन आ गई और फेशियल करने के बाद ये और भी निखर के आती है। तो फेशियल स्टार्ट करेंगे तो हम स्टेप बाय सारे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रब है, तो मैं स्क्रब कर रही हूँ। इसे 5 to 6 मिनट आप कर सकते हो नॉर्मली। अगर आप एक बार अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के पानी के साथ मिलाकर इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ताकि हमारे फेस के जो भी डेड स्किन सेल्स होंगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगी और हमारे फेस पे जो भी डलनेस आ जाती है वो अच्छे से रिमूव होगी। और स्क्रब करने से हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी घुस जाती है, जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, वो सब ये रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, उसके सारे क्रीम को अपने फेस से निकाल लेंगे। देन उसके बाद हम फेशियल क्रीम यूज़ करेंगे, फेशियल की क्रीम, ताकि हमारे फेस पे जो भी होती हैं, हमारे फेस पे जो भी शाइन आती हैं वही फेशियल क्रीम से ही आती हैं। तो फेशियल क्रीम को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने अभी स्क्रब यूज किया है तो स्क्रब से हमारे सारे पार्टिकल्स
अच्छे से हमारे फेस के जो भी डेड स्किन सेल्स और हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं उसे ये स्मूथली ये क्लीन करेगा और हमारे फेस को बहुत ही फ्लॉलेस लुक देने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अपने फेस पे इस क्रीम को 10 मिनट के लिए मसाज करना है ताकि हमारे फेस पे इससे ही बहुत ही ज़्यादा लाइट आने की चांस रहते हैं और फेस हमारा बहुत ही मॉइस्चराइज दिखता है। तो फेशियल क्रीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फेशियल में, तो उसके सारे फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के पानी की हेल्प से हम उसे अच्छे से मिलाते चले जाएंगे। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से मैं पूरे फेस को अपने पोछ लूँगी। उसके बाद मैं जेल अप्लाई करूँगी। जेल एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हमारे फेस पे एक लाइट आती है, मतलब अगर आप ओकेजनली अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हो तो ये जेल का बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। वो जेल बहुत ही शाइन लाता है आपके फेस पे और कोई भी फेशियल करने के बाद तुरंत बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, बट अगले दिन आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जेल अप्लाई कर रही हूँ और ये जेल बस जेल ही होता है, स्मूथली आपको फेस पे लग जाएगा आराम से, उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर सकते हो। जनरली बस इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है ताकि ये अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो किसी भी शादी फंक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी किसी भी एज के लोग हों इनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। शादी में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब हर कोई शहनाज हुसैन के दीवाने हो जाते हैं शादी के टाइम में। और प्रॉपर अपने फेस पे मसाज करना है ताकि जो भी डलनेस आ जाती हैं वो सबको रिमूव करेगा और हमारे फेस को यूथ और यंगर ग्लो देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यंगर लुक देने के लिए आप कोई भी स्किन को नीचे की तरफ से कभी भी फेशियल नहीं करनी चाहिए, अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए फेशियल करनी चाहिए ताकि हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल नहीं दिखाई दे। और लास्ट में हम सबसे लास्ट में हम मास्क लगाएंगे, लेकिन ये मास्क जो मुझे देखने में लगा ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि सारे मास्क जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे इस टाइप में होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा पतला था और बहुत ही स्मूथ था, लेकिन इसने अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से दिखाया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इसे यूज़ करके, तो आप ही देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।